हेलो एंड वार्म वेलकम टू सवाल जेई। बच्चों आज का जो ये वीडियो है इसमें आपको पूरी डिटेल मिलने वाली है अबाउट द आईआईटी जेई एग्जाम। तो देखो बच्चों के बहुत अलग अलग टाइप के डाउट होते हैं और उन्हीं डाउट को लेकर क्या है ये पूरा वीडियो बनाया गया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, सारे पॉइंट्स को कवर करते हैं। तो देखिए बच्चों का जो सबसे पहला डाउट आता है रिगार्डिंग आईआईटी जेई, वो पहला डाउट आता है कि ये जो पेपर होता है वो कितने मार्क्स का होता है। फिर सेकंड क्वेश्चन आता है कि कितने क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट वन एनआईटी कितने मार्क्स पे मिल जाएगा, आईआईटी कितने मार्क्स पे मिल जाएगा एंड लास्ट वन इज फॉर्म कब आता है। तो चलिए बात कर लेते हैं वन बाय वन सारे पॉइंट पर। देखो सबसे पहले बात आती है मार्क्स की कि कितने मार्क्स का पेपर होता है। तो मैं तुमको क्लियर बता देता हूँ सबसे पहला पॉइंट, अगर मैं मार्क्स की बात करता हूँ तो जेई मेन का जो पेपर होता है, सबसे पहले आपको जेई मेन देना होता है। तो जो जेई मेन का पेपर होता है ये आपका होता है 300 मार्क्स का, और जो आपका जेई एडवांस का पेपर होता है ये नॉर्मली आपका होता है 360 मार्क्स का। तो जो पेपर होता है वो इतने मार्क्स के होते हैं, जेई मेन 300 मार्क्स का है और जेई एडवांस तुम्हारा क्या है 360 मार्क्स का है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कितने क्वेश्चन आते हैं उसकी बात कर लेते हैं। देखो अगर मैं क्वेश्चन की बात करता हूं तो क्वेश्चंस में थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि जो जेई मेन का पैटर्न होता है उसमें टोटल जो है क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा डिफरेंट होता है। देखिएगा फिजिक्स में एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे और इंटीजर टाइप आएंगे, ये इसको हम कह सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप। तो न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप, तो जो एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं 20 और जो न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं 10। सेम काम केमिस्ट्री में भी होता है, एमसीक्यू वाले होते हैं 20, न्यूमेरिकल वाले होते हैं 10, और सेम काम तुम्हारा होता है मैथ्स में भी। 20 क्वेश्चन होते हैं आपके एमसीक्यू के और 10 क्वेश्चन तुम्हारे होते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू वाले। अब अगर हमारे पास 3 सब्जेक्ट है तो हमारे पास हो गए 90 क्वेश्चन, तो टोटल हमारे पास 60 एमसीक्यू हो जाते हैं और हमारे पास 30 क्वेश्चन हो जाते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू के। अब जिसमें से हमको क्या है, ये जो 60 होते हैं वो 60 में से 60 क्वेश्चन हमको अटेम्प्ट करने होते हैं। ये ऑल क्वेश्चन हमारे क्या है अटेम्प्ट करना क्या है मैंडेटरी होता है। लेकिन जो ये 30 क्वेश्चन होते हैं 30 में से आपको क्या करना होता है, ये जो आपके 10 क्वेश्चन थे 10 में से सिर्फ आपको क्या 5 करना होता है और इसके अलावा कुछ भी नहीं करना होता है। तो इसी तरीके से 30 में से आपको क्या है 15 क्वेश्चन क्या केवल करने होते हैं और आपको इसके अलावा कुछ भी नहीं करना होता है। तो इस तरीके से तुमको क्या है टोटल जो क्वेश्चंस करने होते हैं 60 हो गए एमसीक्यू और 15 तुम्हारे हो गए न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप। तो टोटल तुम्हारे जो क्वेश्चन हो जाते हैं वो हो जाते हैं 75 क्वेश्चन। तो टोटल तुमको 75 क्वेश्चंस को क्या है करना होगा। अब जो ये तुम 75 क्वेश्चंस करोगे, ध्यान देने की बात ये है अगर आंसर राइट करोगे तो +4 मिलने वाला है और रॉन्ग करोगे तो -1 होने वाला है। तो ध्यान रखिएगा राइट वाले पे +4 है और रॉन्ग वाले पे -4 है। अब देखिए नेक्स्ट आता है कि जो एनआईटी होता है वो कितने मार्क्स पे मिलता है, तो उसकी बात करते हैं। तो थर्ड पॉइंट है आपका एनआईटी कि जो एनआईटी कॉलेज है वो कितने मार्क्स पे मिलेगा। अब देखो तुमको ये पता है कि 300 का तो पेपर है, तो 300 में तुमको क्या करना होगा, सिर्फ और सिर्फ तुमको 120 मार्क्स लाना होगा। अगर तुम 120 मार्क्स ले आओगे तो तुमको कोई ना कोई एनआईटी मिल जाएगा। लेकिन अगर तुमको टॉप की एनआईटी चाहिए टॉप 5 में, अगर तुमको टॉप 5 एनआईटी में आना है और सीएस ब्रांच में आना है, अगर तुमको ध्यान से सुन लो, अगर तुमको टॉप 5 एनआईटी में आना है और सीएस ब्रांच में आना है तो तुमको ये मार्क्स चाहिए 220 प्लस, तो तुमको चाहिए 220 प्लस मार्क्स। और अगर तुमको सिर्फ ऐसा है कि भाई टॉप 5 एनआईटीज हो और एनी ब्रांच हो, कोई भी ब्रांच हो, सारी ब्रांचें चल जाएंगी, तो तुमको लाना होगा 175 प्लस। तो तुम्हारी क्या टॉप 5 एनआईटी में तुम्हारा जो नाम होगा वो क्या है आ जाएगा, ये तुमको अच्छे से ध्यान रखना है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है रिगार्डिंग आईआईटी की, आईआईटी जो है कितने मार्क्स पर मिलता है। तो ये भी बड़ा क्वेश्चन है, आईआईटी जो है कितने मार्क्स मिलता है। तो बात कर लेते हैं आईआईटी कॉलेज की। तो
तो देखो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि आईआईटी तभी मिलता है जब आप जेई एडवांस का पेपर देते हो। कब मिलता है? जब आप जेई एडवांस का पेपर देते हो। अब लेकिन बात यह आती है जेई एडवांस कब दे पाओगे? तो जेई एडवांस तभी दे सकते हो जब जेई मेन का जो कट ऑफ होता है वो आपने क्वालिफाई किया हो। अब देखो जेई मेन का जो कट ऑफ होता है वो अलग अलग जाता है और परसेंटाइल के फॉर्म में जाता है। तो जो परसेंटाइल का वीडियो है वो मैंने तुमको ऑलरेडी लास्ट टाइम प्रोवाइड किया है और ये वीडियो तुमको क्या है जेई मेन प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ध्यान से सुन लो, जेई मेन प्लेलिस्ट है उसमें तुमको मिल जाएगा। तो वहां जाकर तुमको क्या है देखना है, तो वहां तुमको कट ऑफ पता चल जाएगा। अब देखो कट ऑफ जिसका क्लियर होगा वो देगा जेई एडवांस। अब जेई एडवांस में क्या होता है वो समझना ध्यान से। तो जेई एडवांस में जो पेपर होता है वो होता है 360 मार्क्स का। अब इस 360 में से तुमको सिर्फ लाना होगा 120 मार्क्स। अगर तुम 120 मार्क्स ले आते हो तो जो तुम्हारी रैंक हो जाएगी वो तुम्हारी 10,000 के अंदर आ जाएगी। तो जो तुम्हारी रैंक हो जाएगी वो 10,000 के अंदर आ जाएगी अगर तुम 120 मार्क्स ले आते हो। लेकिन इसके साथ में एक कंडीशन भी है, कंडीशन भी है, ध्यान से सुनिएगा। कंडीशन ये है आपकी, कंडीशन ये है इसमें कि जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और मैथ है, इनका जो सेपरेट कट ऑफ है, इन सब्जेक्ट का जो सेपरेट कट ऑफ होता है वो क्लियर होना मस्ट है। अगर सेपरेट कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ और तुम्हारे 120 मार्क्स हैं ओवरऑल, तब भी तुमको आईआईटी नहीं मिलेगा। आईआईटी मिलने के लिए ओवरऑल कट ऑफ क्लियर होने के साथ में सेपरेट कट ऑफ भी क्लियर होना जरूरी है। तो 120 मार्क्स पे आपको आईआईटी तो मिल जाएगा लेकिन सेपरेट कट ऑफ भी क्लियर होना मैंडेटरी है, अदरवाइज आप आईआईटी से बाहर हो जाओगे। तो ध्यान रखिएगा ये चीज़ बहुत कम लोग जानते हैं, तो ये चीज़ जानना आपके लिए क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आईआईटी जेई का ये था। अब बात करते हैं कि फॉर्म कब आता है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है बच्चों का, सर फॉर्म कब आता है? तो देखो जो इसका फॉर्म होता है उसको समझिएगा। तो देखो अगर हम बात करते हैं फॉर्म की, तो फॉर्म के बारे में क्या होता है कि इसका जो फॉर्म होता है ना वो दिसंबर तक डेफिनेटली आ जाता है और कई बार ये फॉर्म क्या है नवंबर में भी आ जाता है। तो आपको अपने माइंडसेट से प्रिपेयर होना है कि भाई फॉर्म हमारा या तो नवंबर में आएगा या तो दिसंबर में आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या रेडी रहें अपने एग्जाम को देने के लिए। अब देखो कुछ बच्चों का एक डाउट और होता है वो मैं तुमको बताता हूँ। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर जो जेई मेन होता है उसमें कितने अटेम्प्ट मिलते हैं और जो जेई एडवांस होता है उसमें कितने अटेम्प्ट मिलते हैं? तो बेटा जेई एडवांस में आपको क्या है 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर मिलते हैं, एक 12th वाला ईयर और एक 12th के बाद वाला ईयर। लेकिन जो जेई मेन का पेपर होता है उसमें आपको 3 अटेम्प्ट मिलते हैं, 12th वाला, 12th के बाद वाला, उसके बाद वाला। तो ध्यान रखिएगा। और जो जेई मेन के जो 2 पेपर होते हैं जेई मेन में, तो 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट एंड सेकेंड अटेम्प्ट। जो इसके 2 अटेम्प्ट होते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट एंड सेकेंड अटेम्प्ट, तो इसमें कुछ बच्चों का एक बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि सर दोनों अटेम्प्ट देना जरूरी है क्या? क्या दोनों अटेम्प्ट देना जरूरी है? तो बेटा दोनों अटेम्प्ट देना ये आपकी चॉइस है। आप चाहो तो दोनों दे दो, आप चाहो तो सिर्फ फर्स्ट वाला अटेम्प्ट दो, आप चाहो तो सिर्फ सेकंड वाला दो। अब तुम सोच रहे हो कि सर दोनों दे के क्या करेंगे, एक ही दे देते हैं। तो देखो दोनों दे के ये फायदा है कि इन केस अगर तुम्हारा लक खराब हुआ, अगर तुम्हारा लक खराब हुआ और तुम्हारे किसी एक अटेम्प्ट में मार्क्स क्या कम आए हैं, दूसरे बार तुम्हारे मार्क्स क्या बढ़ सकते हैं। तो एक ये तुम्हारे पास पॉजिटिव साइड होती है, तो इसलिए कोशिश ये करो कि दोनों अटेम्प्ट तुमको क्या डेफिनेटली देने ही चाहिए। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी अबाउट द आईआईटी जेई एग्जाम और ये तुमको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है। और बच्चों कोई भी तुम्हारा डाउट है आईआईटी जेई के रिगार्डिंग तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और अपनी आईआईटी जेई की प्रिपरेशन अच्छा करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आईआईटी जेई नाम की प्लेलिस्ट में जा सकते हो और जेई मेन नाम की प्लेलिस्ट में जा सकते हो। इन प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो आपको आईआईटी जेई के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और अगर फिजिक्स कमजोर है, फिजिक्स में प्रॉब्लम आ रही है, तो बेसिक मैथमेटिक्स और हारे के सहारा, ये 2 प्लेलिस्ट हैं, बेसिक मैथमेटिक्स और हारे का सहारा, इन दोनों प्लेलिस्ट में जाकर अपनी फिजिक्स को क्या इंप्रूव कर सकते हो। और कोई भी डाउट है कंफ्यूजन नीचे कमेंट बॉक्स में पूछो और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल का जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।